लिसन, दिस इज अबाउट द ऑर्गेनेल. जो सेल ऑर्गेनेल है, दैट सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. इसको क्लोरोप्लास्ट ऐसे बोला जाता है. एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, दैट इज स्पेशली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर रहता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनेल रहता है कि दैट इज साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन, सॉरी नॉट प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस के लिए साइट रहता है. जहां पर फोटोसिंथेसिस बोले तो क्या हो जाता है, अमीनो एसिड की सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों रिएक्ट होके ग्लूकोज बनता है. एंड फोटोसिंथेसिस दैट इज द एबिलिटी ऑफ ओनली ग्रीन प्लांट्स. वो सिर्फ ग्रीन प्लांट की ही एबिलिटी है. यही क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड. उसको ही ग्रीन प्लास्टिड ऐसे बोला जाता है. ठीक है. अब ये क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं, इनके भी अंदर दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं. देखो, दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से कवर्ड था, वैसे यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिस वन इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन. अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है, दैट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज उसके अंदर ही इनर मेम्ब्रेन है. देखो, बोथ आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन बोथ आर कंटिन्यूअस. दोनों मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, मगर ये दोनों मेम्ब्रेन, अब दोनों मेम्ब्रेन मिला के, ये देखो ये दोनों मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन मिला के क्या करवा देते हैं, दीज मेम्ब्रेन दे आर ओनली टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द क्लोरोप्लास्ट. वो क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करवाते हैं. मगर क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो देखो ये जो येलो मटेरियल दिखाई दे रहा है, दिस येलो मटेरियल जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. इधर लेबल किया है, देखो यहां से देखो यहां स्ट्रोमा बोल के लेबल किया है. दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा. अभी स्ट्रोमा क्या रहता है, दैट स्ट्रोमा इज नथिंग बट द जस्ट फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल रहता है, वही फ्लूइड मटेरियल को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. अभी स्ट्रोमा क्या करता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या रहता है, द स्ट्रोमा इज फ्लूइड मटेरियल. उसके अंदर मोर देन 90% वाटर ही रहता है, इसीलिए वो फ्लूइड लाइक मटेरियल रहता है. और ये स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए था, वैसे यहाँ पर भी सर्कुलर डीएनए रहता है. तो प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो. क्लोरोप्लास्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, दिस क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो द सेल ऑर्गेनेल विच हैविंग द एबिलिटी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन. खुद को डुप्लीकेट करने वाली एबिलिटी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है. अब इसके साथ में, सर्कुलर डीएनए के साथ में ही ये जो स्ट्रोमा रहता है, ये स्ट्रोमा काय के लिए साइट रहता है, क्यों रहता है, दिस एक्चुअली स्ट्रोमा इज साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज बनाने के लिए वो साइट रहता है. फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट देयर इज द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल. ये फूड मटेरियल कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो दैट फूड मटेरियल इज स्टोर्ड एट द स्ट्रोमा, प्रोड्यूस्ड एट द स्ट्रोमा. उस स्ट्रोमा के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. अब स्ट्रोमा के अंदर क्या, आज यहाँ पर स्ट्रोमा के साथ में और क्या रहता है, द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ ग्राना. देखो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट को ग्राना इससे बोला जाता है. मतलब दिस इज वन ग्रैनम, ये दूसरा ग्रैनम, ये तीसरा ग्रैनम, ये नेक्स्ट ग्रैनम, ऐसे सभी ग्रैनम को मिला के क्या बोला जाता है, ऑल दे आर कलेक्टिवली टूगेदर इज कॉल्ड एज अ ग्राना. सबको मिला के एक साथ क्या बोला जाता है, ग्राना ऐसे बोला जाता है. और ये ग्राना के अंदर ऐसे जो स्टॉक्ड बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, दिस स्टॉक्ड बॉडीज दीज आर नथिंग बट द थैलाकॉइड्स. और ये थैलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो इनसाइड द थैलाकॉइड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट देयर. And what is the name of that pigment? These are called as the
क्लोरोफिल पिगमेंट्स, यहाँ पर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स रहते हैं, ये ग्रैनम के अंदर रहते हैं, ऐसे ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट क्लोरोफिल पिगमेंट, दिस क्लोरोफिल पिगमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी रहती है उसको एब्सॉर्ब करके दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट इट इंटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में करवाते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर वो करवाते हैं। तो ऐसे ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, ये ग्रैना के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज अबाउट द ग्रैना एंड स्ट्रोमा प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ग्रैना के अंदर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और स्ट्रोमा के अंदर फूड प्रोड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पर छोटे छोटे ये जो ग्रैनुलर बॉडीज दिखाए गए हैं, दीज आर नथिंग बट द 70S राइबोसोम। अभी मैंने राइबोसोम बताते समय आपको एक्सप्लेन किया था कि 70S राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन एडिशन टू दैट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी रहते हैं, ऐसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके वजह से वो सिर्फ किस में प्रेजेंट रहता है, तो दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर हो जाता है, प्रेजेंट रहता है। तो ठीक है, आज तक यहाँ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। हमने चार सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, वन इज कॉल्ड एज गॉल्गी बॉडीज, सेकंड वन इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स, नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल के अंदर रहते हुए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन पार्ट के अंदर। तो यहाँ भी डिफिकल्ट है, अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। Anybody have any question? Ask or raise your hand. Abhijit, no. Anyone have any questions? Kunal also told no. Mandar also no doubt, sir. Chandrasekhar, no, sit. Rishabh, no. Mandar bol raha hai sir ki ye subject mein doubt hi nahi aata sir. डाउट ही नहीं आता। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ है तो पूछो, कुछ भी पूछो। ठीक है सर, फिर बाकी का सर कल कंटिन्यू कर लेते हैं। आप लोगों के मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, अभी का सिर्फ बायो का लेक्चर बचा है, बाकी सारे अपलोड कर दिए हैं। मुझे ड्राफ्ट एडिट करना है, बाकी सब हो गया है सर। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ।